हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं स्वाति एंड आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद बनाया है। एंड मैं हमेशा ऑब्जर्व करती रहती हूं कि मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो चल रहा होता है वही चीज़ें होती है जिससे आप कुछ सीखते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपको कुछ लोगों तक पहुंचाना है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूं, उस टॉपिक के ऊपर मैं कई सारी बार बात कर चुकी हूं, दैट इज रिगार्डिंग योर पीरियड्स, रिगार्डिंग योर मेंस्ट्रुअल कप। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से आई केप्ट ऑब्जर्विंग कि इतने वीडियोस बनाने के बाद भी सोशल मीडिया अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, जो फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी वो फॉलो करने के बावजूद जो हम बताते हैं मेंस्ट्रुअल कप के यूजेस उस पर विश्वास नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव सो मेनी मिथ्स रिगार्डिंग दैट एंड सो मेनी डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द मेंस्ट्रुअल कप। तो मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, एक्चुअली रीज़न इसका ये है, आपको जैसे कि मालूम है कि मैं रेगुलरली एक भी दिन बिना स्किप किए, जिस दिन छुट्टी होती है उन लोगों ने जो प्रोवाइड कर रखी है, उसके अलावा कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि मैं स्विमिंग स्किप करूँ। तो दैट मीन्स कि मेरे को जब पीरियड्स हो रहे होते हैं तब भी आई गो फॉर स्विमिंग एंड आई डोंट एनकाउंटर एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट वाइल स्विमिंग। एंड अगर दूसरी तरह देखा जाए तो ऐसा कोई लीकेज भी नहीं होता है कि जिससे स्विमिंग पूल खराब हो, राइट? तो आप मेंस्ट्रुअल कप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब यह है, लेकिन फिर भी लोगों में अंदर इतनी शंकाएं हैं। एंड आई सी मेनी लेडीज़ जो स्विमिंग के बीच में जो है 4-5 दिन नहीं आती हैं, आती हैं लेकिन स्विमिंग नहीं करती हैं। मैं जनरली, मैंने एक बार पूछा क्यों स्विमिंग क्यों नहीं करो, मैं सोचा शायद लेट हो गए होंगे या कभी कभी मेरा क्या होता है, अगर मैं लेट से खाना खाऊं तो स्विमिंग करते टाइम जो है बहुत सांस फूलने लग जाती है, तो डकारें आने लग जाती है, उस टाइम पे लगता है कि उस दिन स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। तो कीपिंग दैट पार्ट असाइड, कमिंग टू पीरियड्स, तो मैंने ऐसी एक लेडी को भी पूछा, ऐसे एक दो लोगों को भी पूछा था, क्योंकि बीच में 4-5 दिन दिखाई नहीं देते एंड मन में ये थोड़ी रहता है कि भैया क्यों, शायद पीरियड्स हो रहा होगा इसलिए नहीं आए होंगे, मैं तो जनरली क्यों आजकल दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पीरियड चल रहे थे ना इसलिए हम नहीं आए थे। तब मैंने उनको भी बताया कि व्हाई डोंट यू यूज मेंस्ट्रुअल कप, उसमें आप तो स्विमिंग भी कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो, डांसिंग भी कर सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो, ए टू जेड सब कुछ कर सकते हो, आपको स्पेसिफिकली मतलब पीरियड्स के टाइम पे एक अलग पर्सनालिटी बनने की जरूरत नहीं है या लोगों को पता लगवाने की जरूरत नहीं है, भैया मेरे पिलर्स चल रहे हैं इसलिए मैं अकेली बैठी हूँ या इसलिए मैं ये नहीं कर रही हूँ या इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ। उसमें पीरियड्स के टाइम पे जो आपको क्रैम्प्स आते हैं या जो भी होता है, दैट इज समथिंग एल्स, उस टाइम पे आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे इतना भी नहीं होता है कि 4 या 5 दिन आप पूरे मतलब एकदम सिक हो। सो पीरियड्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप समझें कि ये बीमारी है, बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता है तो आपकी वुमेन की जो बॉडी है और हेल्दी होती है, अगर नहीं होता है तभी बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो जब आप अपने पीरियड्स को भी हैप्पी पीरियड्स बना सकते हैं देन व्हाई नॉट। तो इससे पहले भी मैंने आपको ये एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप है उसके बारे में दिखा रखा है एंड सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, अगर कोई मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है उसको मालूम नहीं है कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ। मेंस्ट्रुअल कप जो है आप अपने पीरियड्स में यूज़ करते हैं, आप इससे पहले तक अगर कपड़ा यूज़ करते थे या पैड यूज़ करते थे आपको उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है, प्लस इतना हाइजीनिक भी नहीं है एंड उसके अंदर जो बैक्टीरिया फॉर्म होता है उसकी वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस फॉर्म हो जाते हैं। एंड अदर थिंग, देर आर सो मेनी केसेस दीज डेज गेटिंग एनकाउंटर्ड ऑल दोज हु वर यूजिंग सैनिटरी नैपकिन फॉर मोर आवर्स, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ जो है एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करनी हो चाहिए होती है, लेकिन पैड लगाने के बाद अगर आप किसी काम में बिजी हो तो अगर आप भूल जाते हो तो उसमें क्या होता है, एक पॉइंट के बाद उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होना शुरू हो जाता है जो आपकी डेथ तक भी आपको ले जा सकता है। बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट फैक्ट एंड दे आर कंटिन्यूसली यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। तो प्लीज़ आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना शुरू कीजिए। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता रही थी, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कम्प्लीटली एकदम अच्छी तरह फोल्ड हो जाता है। देखिए, अगर आप इसको पूरा निचोड़ मिचोड़ भी देंगे तो आपका वेजाइना का जो स्पेस है उससे भी छोटा हो जाता है, ये देखिए बहुत ही छोटा हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपके वजाइना के अंदर नहीं जाएगी, ये सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है, रबर नहीं है ये, तो आपके स्किन को भी किसी भी तरह से हार्म नहीं करेगा। मेंस्ट्रुअल कप इज समथिंग मैं बता बता के
थक चुकी हूँ और मैं फिर भी थकने के बाद भी मैं आप लोगों के लिए बताते रहूंगी। एंड अभी तो मेरा मिशन है कि जब तक आप लोग, जिन लोगों ने भी वीडियो देख के अभी तक यूज करना शुरू नहीं किया है, वो पक्का यूज करें। एंड जब भी आप यूज करना स्टार्ट करते हैं तो मुझे वहां पे हैशटैग फिक्स योर पीरियड्स करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, ताकि मुझे दिल से एक सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने जो बोला आपने वो अमल किया एंड कुछ अच्छे के लिए किया। जैसे कि मैं बता रही थी, ये अच्छी तरह फोल्ड हो जाता है, आपको इसको अपने वजाइना में ऐसे इंसर्ट करना होता है एंड अंदर जाके खुल जाता है। बहुत लोग की शंकाएं होती है खुलता कैसे एंड वो सारी डाउट्स, तो मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बना चुके हैं, मैं उनको आई बटन में टैग कर दूंगी, या तो आप मेंस्ट्रुअल कप स्टाइल विद पैशन करके लिखेंगे तो आपको वो सारे वीडियोस दिख जाएंगे। तो एक एक करके आप सारे वीडियोस देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि इसको रिमूव कैसे करना है, इसको इंसर्ट कैसे करना है, इसको धोना कैसे है, इसको सैनिटाइज कैसे करना है एंड एवरीथिंग आई हैव मेंशनड अबाउट इट। क्योंकि मैं फिर से वही सारी चीज़ें बताऊंगी तो सेम वीडियो हो जाएगा। तो नाउ माई मोटिव इज नॉट अबाउट हाउ टू यूज इट और समथिंग लाइक दैट, बट माई मोटिव इज दैट Please, all those who are not using it and thinking something about it, please start using menstrual cup. This is the best for your periods. Trust me. And once you start using this menstrual cup, I'm sure, damn sure that you will not go back to your sanitary napkins. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये, जो लोग डर रहे हैं यूज़ करने के लिए या वीडियो देखने के बाद भी जिनको बहुत सारे डाउट है, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, पहली बार जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था तब YouTube पे एक भी वीडियो नहीं था जो आपको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताता हो। मैंने बस ये Amazon पे देखा था मेंस्ट्रुअल कप एंड मैंने परचेज किया। मेरे को था कि भैया मेंस्ट्रुअल, अगर आपके पीरियड्स के लिए कुछ बेटर आ रहा है तो ट्राई करने में क्या जाता है, राइट? अगर आप सैनिटरी नैपकिन का बैक्टीरिया लेके एक सीवियर सिचुएशन में जाना चाहते हैं, अगर आपको फिर भी डाउट है, अगर आप एक डेयर करके इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, कम से कम आप उन बीमारियों से बच जाएंगे, उन रिस्क से बच जाएंगे। तो मैंने ये जब यूज़ करना शुरू किया था ना पहली बार, मेरे को पता भी नहीं था मैंने कैसे यूज़ करना शुरू किया था। मैंने बस ऑर्डर किया, इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड उसके बाद जो है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन पेपर आता है, वो मैंने अच्छी तरह पढ़ा, इंस्ट्रक्शन पेपर पढ़ा, इसमें पूरा दिखा डायग्राम के साथ दिया हुआ है कि आपको धोना कैसे है, इंसर्ट कैसे करना है, निकालना कैसे है, एवरीथिंग दिया हुआ है और इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। और जनरली जो जो क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के, वो सारे मैक्सिमम इसमें क्लैरिफाई हो जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर करना है एंड यूज़ करना स्टार्ट करना है, यू विल डेफिनेटली लव इट। मैं तो बता नहीं सकती मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, और जब से मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे को पीरियड्स आते कब है जाते कब है पता ही नहीं चलता है। एंड उसके बाद ये इतना ब्यूटीफुल सा पाउच दिया होता है जिसको आप इसमें मेंस्ट्रुअल कप को आप इसमें डाल सकते हैं एंड ऐसे टाइट करने से ये पोटली बन जाती है जिसको आप अपने हैंडबैग में डाल सकते हैं। अगर आपका कभी कोई लड़का भी आपका हैंडबैग चेक करता है तो यू डोंट नीड टू फील एम्बैरेस कि भैया मेंस्ट्रुअल कप दिख जाएगा, बिकॉज अगर दिख भी जाए तो वो इस ब्यूटीफुल बैग में रहेगा। दिस लुक्स गुड एंड हैंडी, और कभी भी आपके पीरियड स्टार्ट हो आप इमीडिएटली किसी भी वॉशरूम में जाके इंसर्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, इस बार तो आपको बात सुननी ही पड़ेगी। अगर आपने सुनी नहीं है तो इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आप लोग की भलाई के लिए बता रही हूँ। तो प्लीज़ 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 स्टार्ट यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप। एंड अगर आप खरीदना चाहते हैं ये एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप, सारे लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जहाँ से चाहें वहाँ से खरीद सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी है सारे नीचे दे दिए, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आई होप कि आप इस बार मेरी बात ज़रूर सुनेंगे एंड सुनने के अलावा आप लाइक तो कीजिए, प्लस कुछ करें ना करें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ये अवेयरनेस बढ़ाना चाहती हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, बिकॉज इससे बेटर कुछ अभी तक आया ही नहीं है और आई डोंट थिंक इससे बेटर कुछ हो सकता है। मे बी क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है या शेप में या कुछ और चेंजेस हो सकता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अब चेंज नहीं होने वाला है। दिस इज दी बेस्ट प्रोडक्ट फॉर योर पीरियड्स, सो प्लीज पीपल ट्राई ट्राई ट्राई, शेयर शेयर शेयर। इसमें कुछ हेजिटेशन की बात नहीं है, दिस इज अ जनरल प्रोसेस। ऐसा नहीं है ना कि आप अगर हेजिटेट हो रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में किसी को पता ही नहीं पीरियड्स के बारे में, सबको पता है, सबको मालूम है कि हर लड़की के औरत की जिंदगी में ये एक पार्ट है, तो शर्माना क्या है, राइट? सो इसलिए इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि अभी भी जो लोग नहीं यूज़ कर रहे, मेरी तरफ से मैंने अपना जो है दे दिया बेस्ट आपको कि आप लोग यूज़ करें। आपकी तरफ से भी आप एक इनिशिएटिव लेके इसको शेयर कीजिए जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक, एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।